दरअसल महाभारत की कहानी युद्ध के बाद समाप्त नहीं होती है। असल में महाभारत की कहानी तो युद्ध के बाद शुरू होती है। आज तक अश्वत्थामा क्यों जीवित है, क्यों यदुवंशियों को नाश का शाप दिया गया था और धर्म क्यों चल पड़ा था कलयुग की राह पर। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एरिसोनिक के आज के एपिसोड में। हम आज बात करेंगे महाभारत से जुड़े पांच रहस्यों। मोहन दोंदड़ों में कुछ ऐसे कंकाल मिले थे जिसमें रेडिएशन का असर था। महाभारत के सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। हिंदू इतिहास के जानकारों के मुताबिक महाभारत के युद्ध में छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था। महाभारत के अध्याय 8 में यह उल्लेख है कि ब्रह्मास्त्र छोड़ने के बाद वायु जोरदार तमाचे मारने लगी, अनेक उल्का आकाश से गिरने लगी, आकाश जलने लगा, पर्वत अरण्य वृक्ष के साथ पृथ्वी हिल गई। कहते हैं कि महाभारत में 18 संख्या का बहुत बड़ा महत्व है। महाभारत की पुस्तक में सिर्फ 18 अध्याय ही है। भगवान श्री कृष्ण ने भी सिर्फ 18 दिनों तक ही अर्जुन को ज्ञान दिया था। 18 दिन तक ही चला महाभारत का युद्ध। गीता में भी सिर्फ 18 अध्याय ही है। कौरवों और पांडवों की सेना भी कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी। कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 ही थे और इस युद्ध में सिर्फ 18 सेनापति ही जीवित रहे। महाभारत के दौर में राशिया नहीं हुआ करती थी। महाभारत काल ज्योतिष 27 नक्षत्रों पर आधारित था, ना कि 12 राशियों पर। नक्षत्र में पहली स्थान पर रोहिणी थी, ना कि अश्विनी। जैसे जैसे समय गुजरा तैसे तैसे विभिन्न सभ्यताओं ने ज्योतिष में प्रयोग किए और चंद्र और सूर्य के आधार पर राशियां बनाई। जबकि वेद और महाभारत में इस तरह की विद्या का कोई उल्लेख नहीं मिलता, जिससे कि यह पता चले कि ग्रह नक्षत्र व्यक्ति के जीवन को प्रभावित नहीं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।